हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? एक बार सभी दोस्त बताइए तो जरूर। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? आवाज़ की जरा परफेक्ट है सब कुछ? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, मुझे तो आवाज़ क्लियर दिख रही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी आवाज़ आ रही होगी मेरी। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी क्लास लेट हो गई। इसके लिए 8 बजे का टाइम था, थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी है, 13 दिसंबर है आज, और 13 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए अगर आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैं भी अपने टेलीग्राम वगैरह में शेयर कर देता हूँ, जो भी दोस्त वगैरह हैं सभी जुड़ जाएंगे। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। तब तक आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर किसी ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो। आ जाओ दोस्तों, सभी दोस्त, सभी आ जाओ, सभी दोस्त। शुरुआत करें क्या? फिर शेयर कर दिया मैंने। चलिए, अब आप लोग भी आ जाइए क्लास में अगर नहीं अभी तक आए हो तो। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। शुरुआत करें क्या दोस्तों? आपकी अगर इजाजत हो तो हम शुरुआत करें आज की क्लास को। आपकी अगर इजाजत हो, आप बताएं तो शुरुआत करते हैं। और जितने भी लोग नए दोस्त हैं सबके सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको डेली वीडियोस मिलेंगे करंट अफेयर के एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी। ठीक है, यहाँ देख रहा है मुझे परफेक्टली आवाज़ वगैरह आ रही है, वॉइस वगैरह सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा अब। ठीक है, तो शुरुआत करें क्या दोस्त? बच्चे कम हैं अभी तक, और 2 मिनट वेट कर देते, थोड़ी सी डिले होगी, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ एक बार फिर से। थोड़ा सा वेट कर देते हैं ताकि सभी दोस्त आ जाए क्लास में। और एक बार बताइएगा जरूर आप सभी लोग, क्लास कैसी लगी थी कल की? कल तो हमारी इवनिंग में हुई थी क्लासेस, बट अब से डेली मॉर्निंग में होगी। अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें, जब भी नई चीज़ें करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इस वजह से कभी कभी डिले हो जाती है क्लासेस। या जैसे कल इवनिंग में हो, नहीं हो, इवनिंग में हुआ था, मॉर्निंग में नहीं हो पाया था, अभी थोड़ा सा डिले हो गया, बट परफेक्ट है, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा। आप सभी का प्यार ऐसे बना रहेगा, हमारी टीम वगैरह बहुत मेहनत कर रही है। चलिए, काफ़ी लोग आ चुके हैं, शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। अब हम देरी ज़्यादा नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो एक बार सभी फिर से बोलता हूँ, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंटेड हियर। विकास सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लासेस में। आज है दोस्तों 13 दिसंबर। 13 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अच्छा, पेन आ चुका है क्या? फिर ये शो क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, 13 दिसंबर, सब चीज़ें आप परफेक्ट है, आगे पेन वगैरह भी आ गया। चलिए, काफ़ी लोग आ चुके हैं, शुरुआत करें क्या दोस्तों? एक बार फिर से अब थम्स अप बता दीजिए। और आप सभी को एक बार फिर से बोलता हूँ, अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंटेड हियर आप सभी का विकास सर की क्लास में। और एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपका हमारे साथ आज के सेशन में, बने रहिएगा एंड तक, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों, ये जो हमारी करंट अफेयर है डेली मॉर्निंग में 8 AM पर होती है, आज है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है हमारी इस क्लास की जो स्पेशलिटी है, MCQs के साथ में, MCQs तो करते ही हैं, उसके साथ में स्टैटिक पार्ट जो होता है वो भी आपको कवर करा देते हैं, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ छूटे नहीं। क्योंकि एग्जामिनर आज के टाइम का जो एग्जामिनर है वो सब चालाक हो गया कह सकते हैं आप। वो करंट अफेयर के साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें जो होती है ना, स्टैटिक वाला, वो पूछ देता है। तो वो चीज़ें भी हमें कवर करते हुए चलना है, ताकि आपका कोई पॉइंट कह सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना एग्जाम में इस वजह से। जिसके में हम दोस्तों इस आज की क्लास में राष्ट्रीय न्यूज को कवर करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को करेंगे, खेल पुरस्कार, सैन्य अभ्यास यानी एक्सरसाइज को, एग्रीमेंट समझौता, साथ में स्टैटिक जी के, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो छूट गई हैं इसमें, थंबनेल पर नहीं दिख रहा आपको, उस सभी को भी डिस्कस करेंगे। चले शुरुआत करें दोस्तों।
आप सभी लोग आ गए, काफी लोग आ चुके हैं, आप शुरुआत करते हैं मुझे लगता है। यस राधिका जी बोल रहे, ठीक है राधिका बोल रहे हैं, नवीन भाई बोल रहे, ठीक है चलिए नवीन भाई, गुड मॉर्निंग। चलो देखो, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? हाल ही में किस तिथि को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो किस डे को यूनाइटेड यूनिसेफ दिवस मनाया गया है? 10 दिसंबर को मनाया गया है, 11 दिसंबर को मनाया गया है, 12 दिसंबर को मनाया गया है, या फिर 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर को मनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दोस्तों यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सवाल उठता है कि 11 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं। तो इसका मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था, क्योंकि सेकंड विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय में क्या हुआ था, वहां का सेकंड विश्व युद्ध के समय में बच्चों के जो हालात थे काफी खराब हो गए थे, उनके डेवलपमेंट के वजह से ये 11 दिसंबर को शुरू किया गया था। तो 11 दिसंबर को याद रखना, प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार। हमने दोस्तों जैसे कि कोई एक कह सकते हैं कोई डे आएगा ना, तो उससे रिलेटेड हम बैक में जो भी अभी हमारी कल से क्लास हुई, तो कल के से पहले का कह सकते हैं 10-12 तारीख के बाद अब जो भी आएगी ना, जैसे एक कोई डेट पर्टिकुलर आज यूनिसेफ हुआ, तो इसके बैक में जो भी होगा हम सबको रिविजन कर देंगे एक साथ, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा रिविजन हो जाए, ताकि और क्लास में चीजें याद हो जाएगा। कल पढ़े थे हम, उसके बाद पढ़े थे सार्क चार्टर दिवस कब था, 8 दिसंबर को था। चलते हैं अब इसके कुछ स्टैटिक में देखते हैं, सभी दोस्तों का आंसर आ रहा, वेरी गुड। देखिए 11 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर है, यूनिसेफ दिवस प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तबाह हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना की थी। यूनिसेफ की स्थापना कब किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे थे को तबाह हुए थे, बच्चे के जो सब कुछ मतलब दिक्कतें हुई थी, उनके बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा सब ये सब में डिक्रीज हो गया था, जो भी उनको फैसिलिटी पहले मिलती थी विश्व युद्ध की वजह से उनको नहीं मिल पा रहा, दिक्कत हो गई। तो उसी चीज को देखते हुए 11 दिसंबर को यूनिसेफ का स्थापना किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका फुल फॉर्म होता है। 2022 का जो विषय है दोस्तों, सब्जेक्ट कह सकते हैं, थीम कह सकते हैं, क्या है? ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर। ये इसका, हाँ सर पेन कर चेंज कीजिए, ठीक है पेन का कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। चलिए 2022 का थीम क्या था, विषय ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व्स बेटर, ये इसका थीम है। कई बार एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है, तो याद रखना थीम भी दोस्तों। बात करते हैं यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसके सेक्रेटरी जनरल जो है, जो कौन है ना जो दोस्तों, कैथरीन एम रसेल इसके सेक्रेटरी हैं। चल दोस्तों आगे बढ़े, और कोई इशू है क्या एक बार? ठीक है चेंज कर दिया पेन, अक्षय जी पेन का कलर चेंज कर दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई? रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? एक होता है दोस्तों IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इसी का यही होता है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके को बनाया गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल मैंने पढ़ा था दोस्तों सेल, सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सोमा मंडल। एक और पढ़ा था हमने, प्रथम महिला अध्यक्ष था किसका? सेबी का। कौन था? माधवी पुरी बोच। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करते चलूंगा, बैक का होगा उसका भी रिवीजन आपका होता रहेगा। तो यहाँ पे पीटी उषा जो है दोस्तों, पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली
महिला अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है या चयन हुआ है? तो पीटी उषा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, याद रहेगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों अजय पटेल, गगन नारंग और राजलक्ष्मी एस देव को उपाध्यक्ष चुना गया है। अजय पटेल, गगन नारंग और राजलक्ष्मी एस देव को उपाध्यक्ष चुना गया है। पीटी उषा को अध्यक्ष चुना गया है, किसका? भारतीय ओलंपिक संघ का। ओके, इसका चुनाव सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एल एन राव की देखरेख में हुई थी। ये भी पूछ सकता है, बट उतना चांस नहीं है, बट मैंने दे दिया है। अगर पूछ देता है तो आपको याद होना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना दोस्तों 1927 में किया गया था। 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया था। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने की घोषणा किया है? Recently, in which city of Uttar Pradesh the central government hosted the meeting of G20 development mission? वाराणसी, कानपुर, लखनऊ या फिर नोएडा? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका वाराणसी, ऑप्शन ए। वाराणसी में दोस्तों केंद्र सरकार ने G20 मीटिंग, G20 का जो विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने का घोषणा किया गया है, तो वाराणसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके स्टैटिक पार्ट को। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वाराणसी G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा, ठीक है। G20 देशों का समूह दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक सरकारी मंच रहे दोस्तों। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया था। भारत ने 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। G20 शेरपा की बैठक राजस्थान के उदयपुर में, याद रखना राजस्थान के उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक हुई थी। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट जो है 5 से 7 दिसंबर तक वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो जगह का नाम है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के उदयपुर में। G20 समूह का जो स्थापना हुआ था दोस्तों कब हुआ था? 26 सितंबर 1999 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। बताइए कोई डाउट है क्या आपको? अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? जयराम ठाकुर, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री एंड राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम हो गए हैं ये, इससे पहले कौन थे? जयराम ठाकुर। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव हुआ था, उसके विधानसभा के 68 में से 40 सीट किसने जीता है? कांग्रेस ने जीता है, और इन्होंने अपनी सरकार बनाई है, और सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन्होंने यहाँ का मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने इनको इलेक्ट किया था। और मुकेश अग्निहोत्री दोस्तों हिमाचल के क्या है? उप मुख्यमंत्री, याद रखना। उप मुख्यमंत्री कौन है? मुकेश अग्निहोत्री। और राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर कौन है? यहाँ के राज्यपाल। इन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू को शपथ दिलाया था, राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। कांग्रेस ने 68 सीट थी विधानसभा की, उसमें से 40 सीट पे उनको विजयी प्राप्त हुआ कह सकते हैं, या 40 सीटें प्राप्त हुई है, और उन्होंने अपनी सरकार बनाई है हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार होगी। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें प्राप्त हुई है, मैंने लिख के दे दिया। बात करते हैं अगर हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, और उसकी दूसरी कैपिटल क्या है? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है दोस्तों, शिमला और धर्मशाला। सेम जम्मू कश्मीर की भी दो कैपिटल है, उत्तराखंड की भी दो कैपिटल है, याद रखना। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, देखो पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की वीना नायर को किस देश में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रिसेंटली इंडियन ओरिजिन वीना नायर वाज ऑनर्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड इन व्हिच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है,
अमेरिका में दिया गया है, यूनाइटेड किंगडम दिया गया है, या फिर बांग्लादेश में दिया गया है। तो भारतीय मूल की जो वीना नायर है, इनको किस देश में प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में वीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है। अगर बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल क्या है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो कौन है दोस्तों? अल्थोनी अल्बानीस यहाँ के हैं पीएम, और कैपिटल है, और अगर बात करें करेंसी की, तो करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ स्टैटिक पार्ट जो है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की शिक्षिका को दिसंबर 2022 में माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। किस चीज के लिए दिया गया है आपसे पूछा जा सकता है? तो याद रखना, विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। वीना नायर वीयू बैंक कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्टीम प्रोजेक्ट की प्रमुख है। वीना नायर जो है दोस्तों वीयू बैंक कॉलेज की प्रमुख है, और स्टीम प्रोजेक्ट है एक उसके भी प्रमुख है, और उन्हें छात्रों को स्टीम के व्यावहारिक अनुप्रयोग का प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। स्टीम के व्यावहारिक अनुप्रयोग का जो उन्होंने प्रदर्शन किया है छात्रों के लिए, उसका उसी की वजह से उनको ये ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार के रूप से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें 2018 में दोस्तों, तो 2018 में उन्होंने डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा एजुकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया था। 2018 में दिया गया था। किस चीज के द्वारा? किसके द्वारा? डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी टीचर्स एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी अल्बानीज। और अगर बात करें करेंसी की, तो क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की करेंसी है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कहां पर COP15 कल भी बताया था दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है कॉप कब? तो COP15 जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ है। कहां पर दोस्तों? COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीन 15 का जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन शुरू हुआ है। मालदीव्स में हुआ है, भारत में हुआ है, कनाडा में हुआ है, या फिर फ्रांस में हुआ है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कनाडा में हुआ है। क्या? जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, यानी कि COP15 का जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पे शुरू हुआ है? कनाडा में हुआ है दोस्तों। कनाडा का राजधानी क्या है? ओटावा। और इसके जो पीएम है दोस्तों कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो यहां के कौन है? पीएम है। ये इसकी ओटावा क्या है? कैपिटल। ये इसका कैपिटल पूछा जाता है कई बार। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मॉन्ट्रियल कनाडा। मॉन्ट्रियल शहर है किसमें? कनाडा का। कनाडा में 7 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया गया है। 7 से 19 दिसंबर तक दोस्तों कहां पर? मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे पार्टियों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हिंदी में बोलते तो पार्टियों का सम्मेलन भी कहा जाता है। यह COP15 का दूसरा भाग है। इससे पहले ऑलरेडी एक भाग हो चुका था, वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? चाइना में हुआ था। अब चाइना में हुआ था पहला पार्ट, तो दूसरा पार्ट कनाडा में क्यों हो रहा? वो इस वजह से क्योंकि चाइना में अभी भी कोविड जो है बहुत फैला हुआ है। अभी जितना कंट्रोल को चाइना में कंट्रोल नहीं हो पाया है कोविड का, इसी वजह से वहां पे कैंसिल कर दिया गया था पार्ट को, ये जो सम्मेलन हुआ था उसको वहीं पे रोक दिया गया था। और दूसरा पार्ट जो है दोस्तों कहाँ पे ले गया? को शिफ्ट कर दिया गया है कनाडा में। हालांकि अभी भी ऑफिशियली तौर से यही कहा जाता है कि चाइना ही है, बट हो कहां पे रहा है? कनाडा में हो रहा। पहले भाग की मेजबानी अक्टूबर में चीन ने की थी। कनाडा की कैपिटल ओटावा है, और प्रधानमंत्री यहां के जस्टिन ट्रूडो है। तो बताइए दोस्तों एक बार, आप सभी को कोई डाउट है क्या? आप सभी को क्लास में कोई दिक्कत आ रही है क्या? समझ में आती है क्या मेरी बात?
एक बार बता दीजिए थोड़ा सा कमेंट करके, और अगर कोई दिक्कत हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना एग्जाम का ट्राइब चैनल को, आपके डेली करंट अफेयर और दूसरी सब्जेक्ट की भी क्लास आती रहेगी। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मेघना अहलावत, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा या फिर पीटी ऊषा? तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत को दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये भी प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेघना अहलावत टेबल टेनिस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेघना अहलावत करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, मेघना अहलावत को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और मेघना अहलावत दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। याद रखना ये वाली चीजें भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है, ठीक है। इससे पहले हम अभी डिस्कस किए थे सोमा मंडल के बारे में, वो भी फर्स्ट थी। माधवी पुरी बोझ सेबी की फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन थी। तो मेघना अहलावत जो है दोस्तों फर्स्ट महिला अध्यक्ष है, कौन किसकी? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष है। के मेहता को याद रखना, के मेहता को TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका शॉर्ट फॉर्म है TTFI का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यस सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, सभी दोस्तों का धन्यवाद। चलते हैं, क्लास स्टार्ट ही रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। के मेहता को TTFI का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। PN रेड्डी को TTFI का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इतना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपसे एग्जाम में यहां तक पूछेगा, इससे ज्यादा तक नहीं जाएगा। PN रेड्डी को TTFI का कोषाध्यक्ष चुना गया। के मेहता को नया महासचिव नियुक्त किया गया। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष होगी, और अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत, ठीक है। अब मेघना अहलावत दोस्तों हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उनकी ये वाइफ है। दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, उनकी ये वाइफ है। कौन? मेघना अहलावत, जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना दोस्तों 1926 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। चले दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी का। आठवां प्रश्न है, हाल ही में 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? 34th किंग्स कप रेगाटा 2022 इंडियन सेलर आनंदी नंदन चंदावरकर वन विच मेडल, मेडल यहां पे छूट गया है, स्वर्ण पदक जीता है कौन? ये आनंदी नंदन चंदावरकर ने सिल्वर जीता है, या फिर रजत, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। भारत के जो नाविक हैं आनंदी नंदन चंदावरकर, याद रखना कई बार पूछा जाता है, नाम दे देता है आपसे दोस्तों, पूछ देता है वो किस खेल से संबंधित है या फिर किस चीज से संबंधित है। तो याद रखना आनंदी नंदन चंदावरकर, चंदावरकर जो है वो किससे संबंधित है? नाविक है भारत की तरफ से, जो कि जो भी चैंपियनशिप वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो याद रखना ये कौन सा है? नाविक है। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? किसमें? किंग्स कप रेगाटा 2022 में कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने फुकेत, फुकेत कहां पे है? थाईलैंड में है। थाईलैंड में आयोजित किया गया था 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। आपसे पूछा जा सकता है, नाम दे दे आपको, सब कुछ दे दे, आपसे पूछे कि कौन सा पदक जीता है, या फिर जगह का नाम पूछ ले कि किस जगह पे हुआ था, पूछ ले आपसे दोस्तों कि 34वें किंग्स कप ये दे देगा कि भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने फुकेत थाईलैंड में आयोजित 34वें किंग्स कप में कौन सा पदक जीता है, या फिर जगह का नाम पूछ ले आपसे कहाँ पे हुआ था, तो या फिर ये पूछे कि किसने स्वर्ण पदक जीता था, या जो भी पदक या मेडल जीतेगा उसका नाम पूछे क्या पूछ। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, उसी वजह से मैं ना दोस्तों सारे की चीजें यहाँ पे कवर करते हुए चलता हूँ, ताकि अगर उससे रिलेटेड घुमा फिरा, कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए एग्जाम में, आप वो क्वेश्चन आराम से कर सको। तो
नेक्स्ट है क्या कि भारतीय नाविक आनंदी नंदन ने फ्रेंच ओपन स्किफ नेशनल 2022 में भी भाग लिया था और अंडर 15 वर्ग में पांचवें स्थान पर रही थी। फ्रेंच ओपन स्किफ नेशन 2022 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था आनंदी नंदन ने, और ये अंडर 15 का जो कैटेगरी होता है उसमें पांचवें स्थान पर रही थी। थाईलैंड की कैपिटल दोस्तों बैंकॉक है और यहाँ की मुद्रा जो है भात है, और प्रधानमंत्री कौन है, प्रयुत चान ओ चा इसके मुख्य प्रधानमंत्री है किसके, थाईलैंड के। तो ये सारी चीज़ें स्टैटिक वाली चीज़ें जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये पूछा गया था। थाईलैंड की कैपिटल पूछे आपसे, करेंसी पूछे आपसे, वहाँ का पीएम पूछ सकता है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़े, आप सभी को सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट कर, सभी लोग लाइक करके बस बता दें, कमेंट मत कीजिए, अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नौवां प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य के बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। रिसेंटली व्हिच स्टेट्स बिजनेस फर्म हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म। ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी केरला। केरला के दोस्तों, केरला में बीज फार्म को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। केरला के, केरला के पीएम कौन, सॉरी सीएम कौन है, पी विजयन है यहाँ के सीएम, और गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। केरला में दोस्तों भारत का प्रथम बिजनेस जेट स्टार्ट किया गया था, कल के क्लास में हम पढ़े थे कि भारत का प्रथम जेट बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो केरला में किया गया था, उसका भी सही आंसर वही केरला था। केरला के मुख्यमंत्री ने अलुवा, जगह का नाम क्या था, अलुवा, अलुवा में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है। इस फार्म से दोस्तों लगभग 170 टन जो है कार्बन को निकाला गया था, मतलब बाई किया गया था ये कह सकते हैं। तो केरला सरकार ने अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, आप पूछ सकता है कि कौन से राज्य के सरकार ने यह फैसला किया है कि अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्बन न्यूट्रल फार्म शुरू करने की घोषणा किया, किस राज्य सरकार ने, तो आपसे पूछ सकता है। तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केरला हो जाएगा। केरला सरकार ने अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्बन न्यूट्रल फार्म शुरू करने की घोषणा की है। आदिवासी क्षेत्रों में इसे लागू करने के लिए महिला संघों का भी गठन किया जाएगा। अभी इनका पूरा गठन नहीं किया गया है, अध्यक्ष वगैरह नहीं चुना गया है, लेकिन इन्होंने कह दिया है कि आदिवासी क्षेत्रों में इसे लागू करने के लिए महिला संघों का गठन किया जाएगा। केरला की राजधानी कैपिटल क्या है, त्रिवनंतपुरम। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या यूटी को आयुष्मान भारत आईडी वितरण में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। Recently, which state or UTs has been given first prize in Ayushman Bharat ID distribution? यानी कह सकते हैं आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, जैसे वोटर आईडी होता है, पहचान पत्र वगैरह होता है, आधार कार्ड होता है, उसी तरह से एक कार्ड होता है आयुष्मान भारत का, जो कि पूरे इंडिया में इफेक्टिव होता है, किसी भी उस वैलिड होता है किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में। तो वो कार्ड जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बांटा गया है, उसके लिए फर्स्ट पुरस्कार जो है किस राज्य यूटी ने जीता है, यही सवाल है। मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश नहीं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को दोस्तों आयुष्मान भारत के आईडी वितरण में फर्स्ट अवार्ड दिया गया, यानी फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा किन्होंने बांटा है, जम्मू कश्मीर ने, इसी वजह से इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया है आयुष्मान भारत आईडी वितरण। जम्मू कश्मीर को दोस्तों आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 के जश्न के दौरान टेली परामर्श, ये भी याद रखना, टेली परामर्श की दूसरी श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जीता है। देखिए भारत के स्वास्थ्य, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी वितरण में इनको फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है, फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। अगर वही बात करें टेली परामर्श, यानी फोन पे परामर्श देने की बात की जाए, टेली परामर्श का मतलब होता है फोन पे, अगर कोई
चीज़ है, कोई दिक्कत है, पेशेंट है, उनको कोई जानकारी चाहिए, पूछना हो कि अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो वो फ़ोन करके वहाँ के जो कह सकते हैं स्टाफ वगैरह होते हैं वो बात कर सकते हैं उनसे, अपनी दिक्कतें उनको बता सकते हैं, उस बेसिस पे वो उनको समस्याओं का सॉल्यूशन देते हैं और बताते हैं। तो तेजी परामर्श में उन्होंने दूसरा अवार्ड जीता है, लेकिन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी वितरण में फर्स्ट जीता है अवार्ड। जम्मू कश्मीर ने देश में स्वास्थ्य वितरण का सर्वश्रेष्ठ मॉडल हासिल किया है। सबसे अच्छा स्वास्थ्य वितरण का जो मॉडल है, सबसे अच्छा जो है किसका है, जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल कौन है दोस्तों? एक तो श्रीनगर है और एक जम्मू है। श्रीनगर कब है दोस्तों? समर में। समर में कैपिटल क्या होती है? श्रीनगर होती है। और विंटर में, विंटर में कौन सा कैपिटल होती है जम्मू कश्मीर की? जम्मू होती है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? मनोज सिन्हा है। चले आगे दोस्तों, दिक्कत है क्या आपको? कोई कोई आफत है क्या आपको यहाँ तक? कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो बताइएगा जरूर। और डेली दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना, और डेली 8 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती है, 8 AM पर होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 8 बजे आप सभी तैयार हो जाओ, अपना कॉपी पेन लेकर के क्लास में आ जाया करो, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर दिया करो, नहीं तो इस टाइम क्लास में सिर्फ सुना करो, मैं इतना रिपीट इतनी कर दूंगा कि आपको रिवाइज के याद हो जाएगा क्लास में, और PDF जब एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल सॉरी टेलीग्राम पे दिया करूंगा तो वहां से आप नोट्स बना सकते हो, और लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बुक्स वगैरह का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से बुक्स वगैरह बाई कर सकते हैं बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर में। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? कौन से केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? धर्मेंद्र प्रधान ने की है, अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, अमित शाह के द्वारा किया गया है, या फिर पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा? तो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों इसका अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। अश्विनी वैष्णव जी जो कि रेल मंत्री हैं, इन्होंने घोषणा किया है कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम के नाम से चलाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, एंड पुरुषोत्तम रूपाला कौन है? एनिमल एंड हस्बेंड्री। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी आपका क्लियर हो गया। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में किस शहर में 5वें कोच्चि मुजीरिस BANL की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस शहर में 5वें कोच्चि मुजीरिस BANL की शुरुआत हुई है? जयपुर में शुरुआत हुई है, मदुरई में हुई है, कोच्चि में हुई है, और तिरुवनंतपुरम में हुई है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों इसका? कोच्चि में। कोच्चि में दोस्तों 5वें कोच्चि मुजीरिस BANL की शुरुआत हुई है। ये एक प्रदर्शनी होता है जहां पे दुनिया भर के जो कलाकार वगैरह होते हैं वो इस प्रदर्शनी में देख आते हैं, अपने प्रस्तुत करते हैं, अपनी जो उनकी कह सकते हैं प्रदर्शनी होती है वो चीज वहां दिखाते हैं, शो करते हैं, तो ये काफी इम्पोर्ट मतलब एक लंबा ड्यूरेशन कम में भी चलता है और वर्ल्ड फेमस है ये। केरल में देखो भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजीरस BANL का 5वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? कोच्चि में शुरू हुआ है। कौन सा संस्करण था ये? 5वां संस्करण था, और शुरू कहाँ पे? कोच्चि में। ठीक है, इसमें विश्व के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख रचनात्मक परियोजनाओं को 10 अप्रैल 2023 तक प्रदर्शित किया जाएगा। मैंने कहा था थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, लंबे समय तक चलता है, क्योंकि काफी फेमस है, वर्ल्ड फेमस है ये जो यहाँ की प्रदर्शनी है। कौन सी वाली? ये कोच्चि मुजीरस BANL, ये जो फेम प्रदर्शनी होता है 2023 तक चलेगा, 10 दिसंबर से 2023 तक। इसमें 90 कलाकार आएंगे लगभग सभी देशों से, बहुत सारे जो देश हैं वहां सबसे। 13वां प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य या यूटीज में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट और यूटीज हैज द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली? गोवा में किया है,
जम्मू कश्मीर में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है या फिर हिमाचल प्रदेश में किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा में दोस्तों पीएम मोदी ने मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। गोवा में इससे पहले कौन सा एयरपोर्ट है? डेबोजिन। डेबोजिन एयरपोर्ट ऑलरेडी वहां पे है। अब वहां इस एयरपोर्ट के भार को कम करने के लिए नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया, बनाया जा रहा है, जिसका नाम है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका शुरुआत जो है दोस्तों 5 जनवरी से इसकी पहली फ्लाइट यहां से उड़ेगी। और पीएम मोदी जी ने इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किसको डेडिकेट किया है? उन वहां के जो पूर्व पीएम थे मनोहर पारिकर, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, मनोहर पारिकर जी को डेडिकेट किया है ये वाला पीएम मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम ने। तो इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने दोस्तों गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, जिसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। याद रख सकते हैं आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस एयरपोर्ट को दोस्तों 2870 करोड़ की लागत से बनाया गया है। और वहां पर जो ऑलरेडी पहले से है डेवलपिंग एयरपोर्ट, उसके एयरपोर्ट के भार को कम करने, टूरिस्ट इंटरेस्ट है गोवा, वहां पे काफी भीड़ रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, तो उस डेवलपिंग एयरपोर्ट के भार को कम करने के लिए मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाया गया है। इससे थोड़ा सा वहां का जो लोड है वो थोड़ा कम होगा। इस हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने 5 जनवरी 2022 से शुरू होगी। पहली फ्लाइट जो उड़ेगी दोस्तों कमर्शियल वाली, कब उड़ेगी? 5 जनवरी 2022 को उड़ेगी। गोवा की राजधानी जो है दोस्तों कैपिटल पणजी में है। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल है। शॉर्ट में याद रखें पीएस पिल्लई, शॉर्ट में याद रखना। राज्यपाल कौन है गोवा के? पीएस पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस से दोस्तों काफी भीड़ रहती है यहाँ पे, तो इसी वजह से उसी को करने के लिए ये एक नया एयरपोर्ट को बनाया गया है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बीडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बीडब्ल्यूएफ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है कहां पे? मलेशिया में। इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक। पॉल एरिक इसके प्रेसिडेंट है। और ये हेडक्वार्टर कहां है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, शॉर्ट में हम बोलते हैं बीडब्ल्यूएफ, कहां पे है? मलेशिया में है। तो पूछ रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल में विक्टर एक्सेलसन को हराया है? पीवी सिंधु ने हराया है, एच एस प्रणय ने हराया है, के श्रीकांत ने हराया है या फिर नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एच एस प्रणय ने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में विक्टर एक्सेलसन को हराया है। और बीडब्ल्यूएफ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों कहाँ पे है? मलेशिया में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक इसके प्रेसिडेंट है। भारत के एच एस प्रणय ने दिसंबर 2022 में कहां पे आयोजित किया गया था? बैंकॉक। बैंकॉक किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की। बैंकॉक है थाईलैंड की कैपिटल है, वहां पे ये आयोजित किया गया था बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर में। ओलंपिक और विश्व चैंपियन विक्टर एक्सेलसन को हराकर खिताब जीता है। विक्टर एक्सेलसन जो है दोस्तों ये ओलंपिक में विजेता भी है, विश्व चैंपियन भी है, और उसको हराया है किसने? एच एस प्रणय ने, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं ये बैडमिंटन के। और ये जो आयोजन किया गया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, कहाँ पे किया गया था? बैंकॉक में किया गया था। बैंकॉक किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की है। प्रणय 2022 सीजन में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल में प्रतिस्पर्धा करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। एच एस प्रणय जो थे दोस्तों बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल के प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने वाले भारत से एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल में प्रतिस्पर्धा किए थे, पार्टिसिपेट किए थे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें दोस्तों तो ये इसका फाउंड हुआ था, कब हुआ था इसका स्थापना? 5 जुलाई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मलेशिया में है बीडब्ल्यूएफ का, और प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक इसके प्रेसिडेंट है।
तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। एग्जाम कार्ड लाइव यूट्यूब चैनल पर डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए है एग्जाम कार्ड, ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए लेकर आया है करंट अफेयर ऑनलाइन कोर्स एवं मासिक करंट अफेयर। इसका आप मासिक करंट अफेयर का दोस्तों मैगजीन भी ले सकते हैं। अगर आपको उस मैगजीन से पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, उससे पढ़ने में आपको आसानी होती है, तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड का मैगजीन भी ले सकते हैं। बहुत कम प्राइस में, बहुत सस्ते प्राइस में है, एफोर्डेबल प्राइस में आप बाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मंथली मैगजीन भी खरीद सकते हैं, जिस अपने नज़दीकी स्टोर पर में और हमारी ऑनलाइन वेबसाइट examcard.in पर मिल जाएगा, examcard.in पर। ये हमारा वेबसाइट है दोस्तों, इस पे जाके आपको करंट अफेयर मैगजीन के साथ साथ में अदर मैगजीन वगैरह, अदर करंट अफेयर साथ अदर बुक्स वगैरह भी, जीके वगैरह सबका बाय कर सकते हैं। ये जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, इसमें सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर पर प्रश्न जो होगा उससे संबंधित आपको स्टैटिक चीजें दिया रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लास में देता हूँ उसी तरह से आपको स्टैटिक चीजें भी दिया जाएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे कोर्सेज जो है अवेलेबल है एग्जाम कार्ड ऐप पर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिएगा। कल के क्लास में फिर से जुड़ेंगे 8 बजे में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे दोस्तों इसी उत्साह उमंग के साथ में।